नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम डिस्कस करते हैं आधुनिक भारत के पांचवें वीडियो को। इस वीडियो के अंतर्गत हम आधुनिक भारत में प्रेस का विकास पर बनने वाले सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सारे इस लिहाज से कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत सरल छोड़ दिए गए हैं, लेकिन जितने भी कठिन प्रश्न है उनको इसमें शामिल किया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो यह था बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टस ठिक्की ने इसको शुरू किया था 1780 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की, तो किसने लागू की थी? वेलेजली ने। सीधा प्रश्न पूछा जाता है। सन भी इंपॉर्टेंट है, कब लागू की थी प्रेस सेंसरशिप, कब लागू की गई थी? तो 1799 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, किसके द्वारा? लिटन के द्वारा। मुंह बंद करने वाला इसको अधिनियम बोलते हैं, कि ऐसा अधिनियम जिसने मुंह बंद कर दिया, यानी कि प्रेस पे अगर पाबंदी लगा दी जाएगी तो समझ लीजिए मुंह बंद हो गया। यही एक बात बोलने का, कहने का उस समय सबसे बड़ा माध्यम हुआ करता था, क्योंकि सोशल मीडिया ये सब तो कुछ था नहीं, यही सबसे बड़ा माध्यम था, और टीवी और रेडियो इन सब चीजों को इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था। रिपन ने बाद में इसको रद्द किया। तो लिटन याद रखिएगा कि इसने लागू किया था और रिपन ने इसको रद्द कर दिया। रिपन थोड़ा अच्छा था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी थे। ये पत्रकार के तौर पे पहले भारतीय थे जिनको जेल भेजा गया था। आगे हम बात करते हैं कुछ समाचार पत्रों या अखबारों की और उनके संपादक कौन थे, पूछे जाते हैं। प्री हिंदुस्तान, तो फ्री हिंदुस्तान जो था ये अमेरिका में प्रकाशित किया था, किसने? तारकनाथ दास ने। इंपॉर्टेंट है ना। कुछ और आपको याद होंगे, निश्चित तौर पर याद होंगे, लेकिन ये ऐसे हैं जो कभी कभी कठिन थोड़े से हो जाते हैं। मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय जी का था, फारसी में था और साप्ताहिक था, फारसी साप्ताहिक था राजा राममोहन राय जी का मिरातुल अखबार, बिल्कुल सही से याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। न्यू इंडिया एनिवेशन जी का था, कॉमनवील एनिवेशन जी का था, इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं बोले दे रहा हूं। इंडियन मिरर ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, देवेंद्र नाथ टैगोर व मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन। अगर इनमें से किसी का नाम भी देवेंद्र नाथ टैगोर का आता है तो मनमोहन घोष या केशव चंद्र सेन का आता है, तो इंडियन मिरर जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था वो ये लोग प्रकाशित करते थे। गदर ये उर्दू में और गुरुमुखी में, ठीक है, लाला हरदयाल से संबंधित था, लाला हरदयाल ने इसको निकाला था। अमृत बाजार पत्रिका और कलकत्ता शिशिर कुमार घोष की, बाद बंगाली में और बाद में अंग्रेजी में, ठीक है। एबीपी, एबीपी है ये, एबीपी न्यूज, ठीक है ना, याद रखिएगा। और केसरी ये बाल गंगाधर तिलक जी का था, मराठी में था, और मराठा बाल गंगाधर तिलक जी का था ये अंग्रेजी में था, ध्यान रखिएगा। जो केसरी था वो मराठी में था, लेकिन जो मराठा था एक दूसरा वो अंग्रेजी में था। तो ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि मराठा किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो अंग्रेजी में होता था, और मराठी भाषा में कौन सा होता था बाल गंगाधर तिलक का, तो वो केसरी था। सोम प्रकाश ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी का था, बांग्ला साप्ताहिक था, बांग्ला में साप्ताहिक था। द इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में निकाला गया था, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, और ये गुजराती हिंदी तमिल अंग्रेजी में था। प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस भाषा में ये नहीं था, तो वहां पे एक दे देगा उर्दू, ठीक है, तो उर्दू में नहीं था, या वहां पे एक दे देगा फारसी, तो फारसी में नहीं था, ये याद रखिएगा। गुजराती में था, हिंदी में था, तमिल में था, अंग्रेजी में था। तो गुजराती में तो गुजरात के रहने वाले थे, हिंदी इनको प्रिय थी, रहेगा ही, अंग्रेजी इन्होंने रखा होगा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में बात, एक तमिल आपको याद रखना है, और चारों तीन तो याद ही रहेंगे, ये चारों हो गए। हिंदू पैट्रियाट ये हरिश्चंद मुखर्जी का था, 1853 में इन्होंने निकाला था, इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम अरविंद घोष, पता होगा आपको, लेकिन ये वंदे मातरम नाम तो हिंदी है लेकिन ये था अंग्रेजी साप्ताहिक। ऐसे ही देखिए, ऐसे डिस्कस जो हम लोग कर लेते हैं, देखिए पढ़ने के दौरान कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आप स्क्रीन पे एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप चीजों को सुन रहे हैं, तीसरी तरफ ये भी बार बार हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, चौथी बात यह है कि हम उसको ये भी डिस्कस कर ले रहे हैं कि देखो वंदे मातरम था नाम हिंदी में लेकिन इसको कहा ये था अंग्रेजी में, ठीक है। तो इस तरह की बातें एग्जामिनेशन हाल में याद आने लगती हैं, ठीक है। ऐसे ही डिस्कशन आपको क्लास स्क्रीन निश्चित तौर पर आई प्रेप की स्क्रीन आपके दिमाग के सामने बन के आएगी एग्जामिनेशन हाल में, आप देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको प्रश्न मिलेंगे। स्वदेश वाहिनी के राम कृष्ण पिल्ले का था, ये के राम कृष्ण पिल्ले, स्वदेश वाहिनी इनका था। देखिए ये दक्षिण भारत के हैं लेकिन स्वदेश वाहिनी था, लग रहा है उत्तर भारत का होगा, ऐसे याद कर लीजिए। द इंडियन नेशन ये दरभंगा महाराज
कामेश्वर सिंह का था, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जी की था, मोतीलाल नेहरू जी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, दैनिक आज जो आज भी आता है ये शिव प्रसाद गुप्त जी का, और द लीडर ये मदन मोहन मालवीय जी का, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू जी का, अपने प्रथम प्रधानमंत्री जी का जवाहरलाल नेहरू, द नेशनल हेराल्ड हेराल्ड इन्हीं का था। इस पे अभी केस भी हुआ था 2-3 साल पहले, याद रखिए, ध्यान रखिएगा, कोई केस नहीं पूछा जाएगा, और उसमें सोनिया गांधी जी को और राहुल जी को जाना पड़ा था कोर्ट में। द पाइनियर, अगर मैं सही हूं तो द पाइनियर ये जॉर्ज एलन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। प्रताप ये कानपुर से निकलता था और गणेश शंकर विद्यार्थी जी का था। आप जब कानपुर में जाएंगे तो जगह जगह गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कानपुर में इनका कार्य क्षेत्र था, कानपुर में रहते थे। बहिष्कृत भारत ये मराठी पाक्षिक था और बी आर अंबेडकर का था, इंपॉर्टेंट है, बी आर अंबेडकर का था ये तो याद ही रहेगा, बहिष्कृत भारत नाम ही इसका है, मराठी पाक्षिक था ये याद रखिएगा, हिंदी अंग्रेजी में नहीं था, मराठी में था। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद जी का था, फेमस है। हिंदू ये जी सुब्रमण्यम अय्यर का था, ठीक है, हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। और सुधारक ये गोपाल कृष्ण गोखले जी का, बंगाली एस एन बनर्जी, बंगाली नाम ही था इसका। और वॉइस ऑफ इंडिया ये दादा भाई नेहरू जी का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वॉइस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का, कॉमनवेल्थ अभी हमने पहले ही बात कर चुके हैं एनिमेशन का जब न्यू इंडिया की बात की थी, लीडर मदन मोहन मालवीय ये भी अभी शायद रिपीट हो रहा है, सर्च लाइट, देखिए कोई चीजें छूटनी नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट रिपीट भले हो जाए कोई नुकसान नहीं है, दो बार पढ़ लेंगे और अच्छे से तैयार हो जाएगा। सर्च लाइट ये सच्चिदानंद सिन्हा का, देखिए सर्च और सच याद रखिएगा, ऐसे हमने याद किया है सर्च और सच, तो दोनों में देखिए सच और सच आ रहा है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। राष्ट्र गोफार ये दादा भाई नेहरू जी का, संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय का, संध्या ब्रह्म बांधव, ठीक है, तो बांधव धा आ रहा है और संध्या में धा आ रहा है, ऐसे याद कर लीजिए, और कोई नाम देखिए धा नहीं आ रहा है। कॉमरेड ये मोहम्मद अली का था, तो कॉमरेड मोहम्मद अली का था, इंपॉर्टेंट है याद रखिए। और आगे हम बढ़े तो समाचार पत्र और भाषा के बारे में देख लें कि कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में निकलता था, वहां पे भी हमने डिस्कस किया है, जो छूट गए यहाँ पे देख लेते हैं। तो भारत मित्र जो था ये हिंदी में, ठीक है, और राष्ट्रमत ये मराठी में था याद रखिएगा, ऐसे ही प्रजामित्र ये गुजराती में था, और नायक बंगाली में था। ये प्रश्न पूछा गया है, ऐसे सुमेलित करने पूछ लिया जाता है, तो भारत मित्र नाम से लग रहा है हिंदी, लेकिन राष्ट्रमत याद रखिएगा मराठी, मत मराठी, और प्रजामित्र गुजराती, प्रजामित्र गुजराती, और नायक बंगाली का। और क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करने वाली पत्रिकाओं के बारे में हम देखें तो ये जो पत्रिकाएं हैं इनमें हम देखें तो संध्या ये क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करती थी, युगांतर ऐसी ही थी, और काल भी ऐसी ही थी। इसमें से कोई एक भी पूछी जा सकती है, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि आपको इसमें से तीनों देता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो एक कोई दे देगा कि वो नहीं रहेगी, है ना, मान लीजिए लीडर दे दे, ठीक है, तो ऐसे इसको ध्यान रखिएगा, ये तीनों क्रांतिकारी वकालत करने वाली पत्रिकाएं हैं। आगे हम बढ़े तो उदारवादी नीतियों का प्रचारक तो लीडर था, लीडर उदारवादी नीतियों का प्रचारक था, ठीक है ना, किसका था जरा याद करिए, कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है, ऐसे याद करिए, थोड़ा दिमाग पे जब जोर देते हैं तो याद आ जाता है। और साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, तो होम रूल पार्टी के द्वारा यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था साप्ताहिक के रूप में, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने यंग इंडिया एक देखा था, ये यहाँ पे यंग इंडिया महात्मा गांधी, ये क्या कुछ गलत हो गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये गलत नहीं हुआ है, ठीक है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये गांधी जी का भी था और एक वहां भी जो दिया है, दोनों सही था। और आपको मैं दिखा भी सकता हूं कि ये जो था ये इसके बारे में मैं आपको अगर कहिए तो दिखा दूं, वैसे इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए दिया हुआ है, यंग इंडिया वाज ए वीक सेड ए वीकली पेपर आर जर्नल इन इंग्लिश पब्लिश्ड बाय मनमोहन करमचंद गांधी फ्रॉम 1990 to 1931, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, ये यहां पे हम चल रहे थे, फिर हम आगे बात करें तो नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया किसने, नील पैट्रियार्ट, हिंदू पैट्रियार्ट ने, सॉरी हिंदू पैट्रियार्ट ने नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था, तो ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप इसको आंसर दे देंगे। तो इसमें ये हमने केवल यही देखा, ये क्योंकि ये थोड़ा फैक्चुअल था इसलिए बहुत ज्यादा डेटा नहीं, और क्योंकि बहुत ज्यादा जब डेटा हो जाता है तो थोड़ी सी
दिमाग को दिक्कत होने लगती है और वो हजम नहीं कर पाता है, बार बार लगता है कि अब क्लास खत्म हो, क्लास खत्म हो। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, आगे क्लास भी जरूरत पड़ेगी तो अभी आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगी उस घंटों में, जिससे कि क्रम चलता रहे, और शाम तक दे देंगे जैसा भी होगा, और जितना हो सकेगा हम लोग रिवाइज कर लेंगे, 20-21 तारीख तक करेंगे, उसके बाद में बिल्कुल ये सब बंद। आप लोगों को जरूरत होगी तो क्लास रिवाइज करिएगा, फिर पेपर के बाद हम मिलेंगे मेंस की स्ट्रेटेजी के साथ, और जो भी आप प्रयास इस समय कर रहे हैं, जनगणना जो पढ़ी है उसको आप देख लीजिए, और भी जितने भी वीडियो पढ़ रहे हैं फटाफट देखते जाइए। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आएगा तो शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप अच्छा और ज्यादा लगे तो आप इसको लाइक करिए, लोगों को बताइए, जो भी आप कर सकें चैनल के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि जो भी हम लोग यहां प्रयास कर रहे हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड अभी कर रहे हैं, तो आप इसको ही मत मानिएगा कि ये फाइनल क्लास है, बाद में हम स्ट्रेटजी बना के पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।